In this video, we will discuss about basic interview questions related to React.js. आप अगर React.js की किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप इंटरव्यू को क्लियर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको जो फर्स्ट स्टेप से गुजरना पड़ेगा इट विल बी योर इंटरव्यू क्वेश्चन, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा रिएक्ट क्या है और बहुत फंडामेंटल चीजों से लेकर एडवांस लेवल तक की चीजों को। तो ये वीडियो उन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है जिसमें हम तमाम ऐसी चीजों को डिस्कस करेंगे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यू, राइट। तो सबसे पहले सवाल ये है कि व्हाट इज React.js? React.js इज एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। तो React.js हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि React.js हमारे पास जो है वो फ्रेमवर्क है। सो नाउ, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है React.js हमारे पास, राइट। हम React.js का यूज क्यों करते हैं? Use for building user interface or front-end component of web application. हम React.js का यूज करते हैं ताकि हम औसम किस्म के यूजर इंटरफेस बना सके और औसम किस्म के कंपोनेंट्स बना सके जिसको हम री यूज कर सके। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, राइट। थर्ड, आपके पास React.js जो है ये डेवलप की गई है बाय फेसबुक। एंड द फोर्थ पॉइंट इज जो अभी करंट वर्जन चल रहा है रिएक्ट का वो है 18.20। नाउ द सेकंड इज व्हाट इज कंपोनेंट। कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं इन रिएक्ट? रिएक्ट यूज अ कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। ईच यूआई कंपोनेंट रिप्रेजेंट अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, वन इज क्लास कंपोनेंट एंड द सेकेंड इज फंक्शनल कंपोनेंट्स। बेसिकली हमारे पास जो रिएक्ट है ये कंपोनेंट्स आर्किटेक्चर को फॉलो करती है। तो क्वेश्चन इज कि हमारे पास कंपोनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है। इट्स मींस कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट है उसकी नेविगेशन बार है, इट्स अ सेंट्रल पोर्शन, राइट, और ये हमारे पास फुटर होगा। अब ये होगा कि हमारे पास डिफरेंट पेजेस होंगे, तो एक दफा मैंने बना दिया मैप बार और एक दफा मैंने बना दिया फुटर। तो जस्ट अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे कॉल ही करना पड़ेगा। अब मुझे दोबारा दोबारा फुटर को बनाकर दोबारा कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपने कंपोनेंट्स को कॉल करना पड़ेगा इन रिएक्ट। तो यहाँ रीयूजेबिलिटी जो है, ठीक है, वो हमारे पास अडॉप्ट होती है कि जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, अपने कंपोनेंट्स को कॉल करना पड़ता है, राइट। तो कंपोनेंट वन है, कंपोनेंट टू, कंपोनेंट थ्री, कंपोनेंट फोर, कंपोनेंट फाइव। अभी हम प्रैक्टिकली भी इसका देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है वो कंपोनेंट्स को रीयूजेबल करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज क्लास कंपोनेंट। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन फंक्शनल कंपोनेंट्स। पहले हम यूज किया करते थे क्लास कंपोनेंट्स के बारे में, लेकिन अभी जो है हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो इजी टू यूज है। और फंक्शनल कंपोनेंट में हमारे पास जो है वो लाइफ साइकिल हुआ करते थे। जो ओल्ड एक्सपीरियंस डेवलपर होंगे तो उन्होंने काम किया होगा लाइफ साइकिल मेथड्स पर, लेकिन आजकल लाइफ साइकिल मेथड जो है उस पर बहुत कम यूज होता है बिकॉज अब रिएक्ट चेंज हो गई है फ्रॉम क्लास कंपोनेंट टू हुक्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम क्लास कंपोनेंट्स में जो है वो हुक्स का यूज नहीं कर सकते। हुक्स क्या होते हैं हम आगे से देखेंगे, राइट। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज फंक्शनल कंपोनेंट।
हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अ फंक्शनल कंपोनेंट इज अ प्योर फंक्शंस। हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट्स जो होते हैं ये प्योर फंक्शंस होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हम कंपोनेंट्स बना देते हैं और फिर उसको हम कॉल करते रहते हैं। कैसे, आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब ये देखिए हमारे पास यहां एक कंपोनेंट बन गया है, राइट, जो कि क्या है, इंटरव्यू कंपोनेंट है। और इसको मैंने कॉल किया है कहां पे, एप डॉट जेएस पे, राइट। तो ये देखिए यहां मैंने इसको कॉल किया है। अब इसका अगर हम आउटपुट दें, ये देखिए हमारे पास इंटरव्यू आ गया, राइट। और अगर मैं ये चाहता हूं कि इस कंपोनेंट को अगर मैं एक और दफा पेस्ट करूंगा तो इंटरव्यू मेरे पास दो दफा आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ एक कंपोनेंट बनाया और इसको रीयूज कर दिया, इंटरव्यू इंटरव्यू। अब ये दो कंपोनेंट हो गए। मैं चाहूं तो मुझे तीन दफा में इस कंपोनेंट को यूज कर सकता हूँ। ये देखें हमारे पास ये आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम जो है वो कंपोनेंट्स बना के उसका यूज, ठीक। फंक्शनल कंपोनेंट कैन आल्सो यूज रिएक्ट हुक्स व्हिच अलाउ यू टू ऐड स्टेट एंड अदर फीचर टू अ फंक्शनल कंपोनेंट विदाउट यूजिंग अ क्लास। हुक्स आर अ पावरफुल टूल फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन विद रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ हम जो है वो हुक्स का यूज करते हैं जो हमें एक्स्ट्रा फीचर्स देता है जिसे हम अपने कंपोनेंट्स में यूज कर सकते हैं, और स्टेट मैनेजमेंट उसके थ्रू क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज स्टेट? इंफॉर्मेशन होल्डर इनसाइड कंपोनेंट एंड इट स्टोर एनी डेटा लाइक अ वेरिएबल, ठीक है। अगर हमें अपने कंपोनेंट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होगी तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं। इसका भी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल अभी करके बताऊंगा। एंड रिएक्ट स्टेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द इंटरनल स्टेट ऑफ अ कंपोनेंट। एग्जैक्टली, स्टेट कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इंटरनली वेरिएबल को कंटेन करके रखता है, ठीक है। इट इज अ मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग एंड अपडेटिंग डेटा विद इन अ कंपोनेंट, ठीक है। अगर हमें अपने कंपोनेंट्स में किसी भी डेटा को अपडेट करना हो, चेंज करना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, स्टेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं यूज स्टेट का। अच्छा, ये देखें अभी हम अपने इंटरव्यू वाले कंपोनेंट पे आ गए हैं। अब मैं यहां यूज करना चाहता हूं यूज स्टेट का, मीन्स अपनी स्टेट का यूज करना चाहता हूं। तो स्टेट यूज करने के लिए हमें एक हुक यूज करना पड़ता है जो कि क्या होता है, यूज स्टेट। देखिए यहां मैंने यूज स्टेट लिखा तो यहां ये ऑटो इंपोर्ट हो गया, राइट। तो इनिशियल वैल्यू में क्या दे देता हूं, जीरो दे देता हूं यूज स्टेट की। और यहां लिखता हूं पोस्ट, एक काउंटर बनाना है हमने तो काउंट, और दूसरा हमने क्या लिखना है, सेट काउंट, राइट। तो यहां सिंपल मैंने क्या किया, यूज स्टेट की मदद से एक वेरिएबल बनाया। अब इस वेरिएबल में मेरे पूरे कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन होगी, कैसे उसे देखते हैं। अभी देखिए इनिशियल वैल्यू जो है वो काउंट की क्या है, जीरो है। अब मैं अगर चाहूं इस वैल्यू को अपडेट करना तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, सेट काउंट यूज करना पड़ेगा। तो अब यहां इंटरव्यू को हटा के यहां मैं अगर लिखूंगा काउंट, वी यूज अ जेएसएक्स, तो इसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां काउंट लिखा, तो काउंट लिखा तो यहां मेरे पास आ जाएगा जीरो जीरो जीरो। अच्छा, ये तीन दफा क्यों आ रहा है, बिकॉज यहां मैंने अपने कंपोनेंट को तीन दफा कॉल किया। अब मैं एक ही दफा कॉल करूंगा तो देखिए एक दफा आ गया, राइट। अच्छा, यहां मेरे पास ये हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि एक बटन ऐड करूं, ठीक है। यहां मेरे पास आ जाएगा एक बटन, और यहां आप लिखेंगे इंक्रीमेंट, ठीक है। अब ये देखिए एक बटन आ गया और उसके साथ आ गया इंक्रीमेंट। तो यहां मुझे इसे पी पे लिखना पड़ेगा ताकि हमारे पास थोड़ा बेस्ट अलाइन हो। तो अब ये देखिए ये जीरो और इंक्रीमेंट, यहां कुछ नहीं हो रहा। मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो मेरी स्टेट क्या हो जाए, चेंज हो जाए, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और क्लिक लगाना पड़ेगा,
ठीक है। और ऑन क्लिक यहां मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सेट काउंट राइट, और मुझे क्या काउंट करना है, काउंट प्लस वन राइट। तो यहां मेरे पास क्या होगा, अगर कोई बटन पे क्लिक करेगा तो सेट काउंट हो जाएगा, मींस अपडेटेड फंक्शन चल जाएगा। और उसके अंदर यह है कि भाई जो काउंट की वैल्यू है उसके अंदर वन प्लस करते जाए। सो द फर्स्ट टाइम काउंट क्या होगा, जीरो, जिस इस पर क्लिक करूंगा वन, देन फिर क्लिक करूंगा टू एंड फिर क्लिक करूंगा थ्री। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से अपने कंपोनेंट के अंदर स्टेट का यूज किया राइट। ओके, नाउ व्हाट इज प्रॉम्प्ट्स, ठीक है, शेयर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। अगर हमें किसी भी डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में डेटा शेयर करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रॉप्स का यूज करते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉप्स का यूज कर सकते हैं राइट। तो यहां देखिए मेरे पास ये कंपोनेंट है। अब मुझे डेटा ap.js से interview.jsx में कन्वर्ट करना है, शेयर करना है, तो इसे कैसे करूंगा, यहां मैं लिखूंगा टेक्स्ट Like my video। अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज अप्लाई करिएगा राइट। तो यहां आपके पास क्या है, टेक्स्ट। अब इसे मैंने पास किया है विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स किसमें, इंटरव्यू में। अब मुझे इसे गेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे यहां फंक्शन के यहां कंपोनेंट्स में क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉप्स लिखना पड़ेगा राइट। और अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको अपने कंपोनेंट में यूज करूं, तो इसके लिए मुझे जेएसएक्स यूज करना पड़ेगा और यहां मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट्स। व्हाट डू यू थिंक, अब यहां डेटा आ जाएगा, सो लेट्स सी, नहीं आया राइट। क्यों, क्योंकि हमें यहां लिखना है प्रॉम्प्ट्स डॉट, यहां हमने क्या लिखा था, टेक्स्ट, तो यहां पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट राइट। तो ये देखिए हमारे पास आ गया लाइक माई वीडियो, देखिए यहां काउंट जीरो आ गया, लाइक माई वीडियो प्रॉम्प्ट्स डॉट टेक्स्ट आ गया, तो लाइक माई वीडियो एंड बटन, अगर इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये इंक्रीमेंट करता जाएगा राइट। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का। अब अगर मैं यहां डायरेक्ट टेक्स्ट लिखूं तो यहां मुझे प्रॉप्स नहीं लिखना पड़ेगा राइट। अब यहां देखें आप इसे रिफ्रेश करें तो यहां लिख चल रहे राइट। इसी तरीके से अगर मैं ये चाहता हूं कि एक और कंपोनेंट कॉल हो और वहां मैं लिखूं प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो राइट, तो आप ये देखिए क्या होगा, लेट्स सी। ये देखिए एक कंपोनेंट पे आपके पास लाइक माय वीडियो कहां से आया, यहां से आया ठीक है, और सेकंड प्रॉप्स हमने जो पास किया वो क्या था, सब्सक्राइब माय वीडियो। तो ये देखिए उसमें हमारे पास ये अपडेट हो रहा है और इसमें हमारे पास ये अपडेट हो रहा है। तो यहां आपने देखा कि हम किस तरीके से प्रॉप्स के साथ डील कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास हुक्स क्या होते हैं, हुक्स वेयर इंट्रोड्यूस इन रिएक्ट 16.8 और 16.8 के बाद जो है बेसिकली रिएक्ट डेवलपर जो है वो हुक्स का यूज करते हैं। इससे पहले हमारे पास क्या होता था, क्लास कंपोनेंट्स होते थे। तो 16.8 वर्जन आने के बाद एकदम बूम आया रिएक्ट में, जिस जो हुक्स हम यूज करते हैं इन्होंने बहुत ही हमारे रिएक्ट को सिंप्लीफाई कर दिया, एफिशियंट कर दिया। अब बहुत ज्यादा कोड जो है वो हम समेट के बाय यूजिंग रिएक्ट हुक्स हम छोटे से पैमाने में लिख सकते हैं ठीक है। तो हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे डिफरेंट हुक्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच।